Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a mother tincture. ठीक है, मतलब हमेशा हम लोग remedies के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी एक remedy ही है, but हम लोग इसको moreoverly mother tincture के form में देते हैं. तो मैं इस remedy के साथ मैं इसकी केस भी डिस्कस करूंगी और वो remedy दिखती कैसे है, मतलब जो भी बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है एंड दे आर जस्ट स्टार्टेड विद द स्मॉल स्मॉल प्रिस्क्रिप्शंस, सो आई वुड लाइक टू टेल देम कि है ना कैसे कैसा होता है. सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस रेमेडी, दैट इज बर्बेरीज वल्गैरिस. ठीक है, द कॉमन नेम इज बारबेरी. देन इंडिकेशंस, सो दिस बर्बेरीज वल्गैरिस इज इंडिकेटेड फॉर वॉट थिंग, मतलब किस चीज के लिए ये दी जाती है. तो इट इज गिवन फॉर किडनी ट्रबल्स. सॉरी यार, टुडे माय थ्रोट इज लाइक खराब है, बट या बेयर विद इट. किडनी स्टोन्स, ठीक है, किडनी के ट्रबल मतलब क्या होता है, किडनी स्टोन्स रहता है, इनफिल्ट्रेशन रहता है, फिर और भी किडनी के बहुत सारे तकलीफ रहती है, लाइक यूरिन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, फिर यूरिन से ब्लड आ रहा है, सैंडी टाइप ऑफ यूरिन है. सो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स आर कवर्ड इन द बर्बेरीज वल्गैरिस and it is a very good remedy for renal calculi. Doesn't matter, अगर आपको blindly देना है कुछ renal calculi के लिए और आपको कोई भी idea नहीं है कि मतलब अभी कोई आपके पास patient आता है newly, जो हमें पता है ना कि हमारे mom, daddy कोई patients लाते हैं, हाँ हमारा बच्चा doctor है, चलो हमारा बच्चा ट्रीट कर सकता है. तो वो स्टेज पे अगर आपको हिस्ट्री लेने अच्छे से आती हो, लेकिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना आपको थोड़ा वक्त चाहिए, तो यू कैन गिव और स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद बर्बेरीज वल्गैरिस एंड उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालो. बट बर्बेरीज वल्गैरिस आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हो, तो हम वही देखेंगे कौन से स्टेज पे दे सकते. तो इट इज गिवन इन किडनी ट्रबल्स विद द पेन इन बैक एक्सटेंडिंग टू द different parts, sometimes it is difficult to locate. मतलब कोई कोई लोग जो भी किडनी स्टोन के पेशेंट्स रहते हैं वो बोलते हैं कि ना मेरा पीछे दर्द करता है, पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, लेकिन ना वो अचानक से पेट की तरफ आ रहा है, अचानक से मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, अचानक से मेरा पैर ही दुख रहा है. सो दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स विच दे आर टेलिंग यू द रेडिएटिंग सिम्टम्स ऑफ अ पेन एंड दे आर डायग्नोस्ड विद अ किडनी स्टोन या फिर रेनल कैलकुलाई, देन यू कैन प्रिस्क्राइब बर्बेरीज वल्गैरिस या फिर यू कैन स्टार्ट द इनिशियल ट्रीटमेंट और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन यू कैन स्टार्ट विद द बर्बेरीज वल्गैरिस. ओके, द पेन इज स्टिकिंग, जर्किंग, लैसरेटिंग एंड टीयरिंग टाइप ऑफ अ पेन. हाँ, देन इन डिसीज ऑफ लीवर विथ इनडाइजेशन, देन वॉमिटिंग ऑफ फूड, soreness of liver, bilious colic, gallstone colic and jaundice. So liver affections को भी ये अच्छे से दी जाती है, suit करती है remedy, jaundice में भी suit करती है. Then if अगर कोई patient को hepatitis का injection दिया and after that they are showing the ill effects of that vaccine, then you can again prescribe this remedy. Then कोली की pain उसके लिए भी दी जाती है ये remedy. Then in lumbago, the pain extends from the back around the body and down to the leg. मतलब अगर ये आदमी है, आदमी के back में अगर pain हो रहा है, तो back से front में जाएगा and again it will radiate to his legs. ठीक है, so this type of pain is present in berberis with a bright red urine containing mucus sediments. Bright red urine रहेगी उसकी. हाँ, तो ब्राइट रेड यूरिन मतलब सैंड लाइक यूरिन रहेगी उसमें. फाइन, देन अगेन इट इज गिवन फॉर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स. सो व्हाट आर द एब्डोमिनल कंप्लेंट्स आर स्टिचिंग पेन इन द लीवर, गॉल ब्लैडर, इन फ्रंट ऑफ द किडनी. ठीक है, स्टिचिंग टाइप ऑफ अ पेन, यहाँ पे हम लोगों ने पेन का पढ़ा, दैट इज स्टिचिंग, जर्किंग, लैसरेटिंग एंड टीयरिंग टाइप ऑफ पेन रहता है. सो सिमिलरली इट वही टाइप का पेन रहेगा ऑल ओवर द बॉडी. देन रेक्टम में क्या होता है, तो डायरिया, पेनलेस एंड क्ले कलर्ड के डायरिया. ऑब्वियसली अगर लीवर अफेक्शन है तो क्ले कलर का डायरिया होगा. देन यूरिन कंप्लेंट्स आर सोरनेस टू टच इन द रेनल रीजन एंड यूरिन इज वेरी रेड,
or blood in the urine is present, burning micturition is present. Then urine. Urine is bright red, containing thick mucus, mainly sediments, that is blood. Then back, may pain in the small of the back. Then radiating to the different parts of the body, as I told you. Then lumbago, backache rahega, kamar dard rahega. Stitching in the back and the renal region, worse from the motion. Respiration se bhi, matlab lambi lambi saas lene se bhi agar ye worse hota, so you can give this remedy, prescribe this remedy. Extending into the abdomen, hip, loins, that is groin region, then bladder, etc. मतलब ये different different parts पे radiate हो रहा है. Then pain in the thighs and loin when urinating, मतलब urine करते समय urine की जगह पे ही नहीं हर जगह पे अगर pain हो रहा हो, then you can again prescribe this remedy. Then skin complaints, skin itches and burns, worse from scratching, small boils and pustules. There is small boils present. अगर वो scratch करने के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो complaint. Then nausea before breakfast. Again, this is PQRS. Then modality, worse from motion, from fatigue and from scratching. Also by deep respiration, by urination, by eating more of the, you know, calcium ke food. Matlab calcium supplements and all. So, us wajah se bhi worse hota. So, this was a remedy, that is Berberis vulgaris. And how it looks, so ye aise dikhti hai. It is SBL ki hai ye mere paas, that is Berberis vulgaris mother tincture. It costs me rupees 185. Theek hai, so ye 100 ml ki bottle hai and it comes with the sealed, okay, and SBL ki aisi bottle rehti hai. Now I'll tell you ki ye kaise di jati hai. To agar patient aapke paas aata hai, nahi pehle main aapko case batati hu, case discuss karte hain hum log pehle. So this is the case which I have took today. I'll not show you the patient's name and everything. But yeah, preliminary data ke alawa, ye sab kuch maine uska case liya hai. So this was his case, that is unko hai na pressure generate hota hai urination ke time pe. Satisfactory urine nahi hoti hai, dheere dheere urine hoti hai, thodi thodi urine hoti hai. Phir drilling type of pain sensation hai unko back mein. फिर उनको बोरिंग टाइप ऑफ पेन है, फिर हाफ हेडेक है, सोर बेल्चिंग है, उनको जॉन्डिस दो बार हुआ है, एक बार मलेरिया हुआ है, उनको वीकनेस है, बैकएक है, लेग में पेन है, रेडिएटिंग पेन है, मोर ओवरली कोल्ड और विंटर्स में ज्यादा होता है. फिर उनके मेंटल्स भी थोड़े बहुत उन्होंने बताए, तो उनके मेंटल्स पे भी ये रेमेडी मैच करती है. सो मैं उनको देने वाली हूँ मेंटल्स के ऊपर तो कल्केरिया काप और फिर बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर. तो मैं बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर कैसे प्रिस्क्राइब करूंगी, तो इनिशियली मैं उनको बोलूंगी कि हाफ कप ऑफ वाटर में इसके 5 ड्रॉप्स से स्टार्ट करूंगी. तो हाफ कप वाटर में मैं इसके 5 ड्रॉप्स डालने बोलूंगी. आई जस्ट मेक इट सेटल, मतलब एक मिनट के लिए उसको रहने देंगे एंड उसके बाद हम लोग उनको लेने के लिए बोलेंगे. सो दिस इज हाउ वी प्रिस्क्राइब बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर टू द पेशेंट. ठीक है, एंड उसके बाद 5 ड्रॉप्स उनको अगर मैच करते हैं, देन 5 टू आई विल गो विद द प्लस, दैट इज 10 ड्रॉप्स, देन अगेन आई विल शिफ्ट टू द 15 ड्रॉप्स एज द रेमेडी सूट्स. तो तब तक के लिए क्या होता है कि हम लोग है ना, हमारे पास एक आइडिया मिलती है. लाइक अभी पेशेंट आपके पास आता है, दैट टाइम दैट पेशेंट कम्स ब्लैंकली, लाइक ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स विद हिम एंड वो ऐसे ही, मतलब ये जो मेरा पेशेंट था अभी जो मैंने शो किया है, तो वो पेशेंट के पास कोई रिपोर्ट्स नहीं थे. ठीक है, तो वो रिपोर्ट्स के साथ नहीं आया है, तो आई विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, दिस मेडिसिन फॉर 7 डेज एंड आई विल आस्क हिम टू कम बैक विद द रिपोर्ट्स. देन तब तक के लिए मैं इसके 5 ड्रॉप्स रखूंगी एंड अगर रिपोर्ट्स में आता है कि किडनी के बड़े बड़े स्टोन्स है, लाइक 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, देन आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी, आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू हिज केस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गिव द प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज हाउ वी टेक द केस, दिस इज हाउ द रेमेडी एक्ट्स. So I hope you understand this remedy. I hope you got what the practical use of this remedy. And if do, then do consider subscribing to my channel. And please इसको like कर देना and share कर देना अपने friends के साथ. And yeah, ये अगर आपको helpful लगा then let me know in the comment sections. And I'll tell you the book name. This is very good book from Symptomatology of Leading Homeopathic Remedy by Rajat. ठीक है.
सो ये काफी पुराना बुक है, बट या इट इज अ गुड बुक एंड आई विल टीच यू फ्रॉम दिस बुक टू. टिल देन बाय. थैंक यू.